वी आर गेटिंग रेडी फॉर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन मैम के साथ। ये हमारे जिम ट्रेनर है और ये हमारे बड़े जिम ट्रेनर है। थर्ड वाला था तो वो नहीं हो पाया, वो एकदम इधर पर आके किया मैंने ट्राई बट नहीं हो पाया। सो आज संडे है और आज हमारा है पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन जिम जाने का। ये बंदे को एक महीना जिम नहीं हुआ, ये कंपटीशन लड़ने जा रहा है पावर लिफ्टिंग का, बेंच प्रेस। बेंच प्रेस तो अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं जिम। उधर से जाएंगे उस जगह, लाइक पहली बार ये एक्सपीरियंस करना है, मैंने भी कभी कॉम्पिटिशन को एक्सपीरियंस नहीं किया तो ये पहली बार कुछ होने वाला है, देखते हैं कैसा किया जाता है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि होना क्या है, सब कुछ सस्पेंस है, सब कुछ सरप्राइज है। पहली बार ऐसा कोई लाइफ में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो मुझे भी देखना है क्या होता है। आपकी तरह टाइम से जिम कर रहे थे रोज़, लेकिन बस कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल अप चाहिए था कि कुछ और एक्स्ट्रा करें, कोई कॉम्पिटिशन करें। फाइनली भगवान ने सुन ली, कुछ मिला है एक मौका, तो देखते हैं करते हैं क्या हुआ। तो मैं भी आना है वीडियो में, जाओ यहाँ से चलो पर लॉन्च हो जाओ। सो बेंच प्रेस कंपटीशन के लिए एकदम रेडी हैं, जिम के बाहर खड़े हैं। अभी हम लोग जाएंगे फिर उधर जहाँ पर कंपटीशन होना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सच में, पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो फिर हम निकल चुके अपने बहुत सुहावने सफ़र में और ये इंडिया का फ्लैग बहुत प्यारा लगता है। देन हम लोग पहुँचे उधर जिम में जहाँ पर सब लोग अपना वार्म अप कर रहे थे, बॉडी वेट चेकअप करा रहे थे। सो बॉडी काउंट हो चुका है, तो बॉडी वेट दे चुके हैं और अब उन्होंने काउंट वगैरह कर लिया। अभी कैटेगरी पता चल जाएगी और उसके बाद फिर होगा 11 बजे स्टार्ट होगा पहला बेंच प्रेस कॉम्पिटिशन। ऑलरेडी ध्रुव भैया तो ये है वो पावर लिफ्टिंग की बेंच प्रेस वाली मशीन जिस पे हमें अपने आप को प्रूफ करना है। ऑल्सो आप लोग इस कंपटीशन के बारे में इस पे पढ़ सकते हो। देन हम लोगों ने इसके बाद वार्म अप किया जिस पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने वेट उठाया, फिर उसके बाद नाश्ता मिला। क्या हुआ, कैसा लग रहा है भाई? डर लग रहा है? प्रैक्टिस हो गई है, वार्म अप जो होगा अच्छा होगा। हमारा वेट पावर लिफ्टिंग से पहले नाश्ता हो रहा है। आई आयुष भाई खाए जा रहे हो, क्या खा रहे हो भाई? वाह चलो बढ़िया, अरे एकदम पास, कंपटीशन आ चुका है और अमन का तो नंबर लग गया है गौतम का। बाकी मैं सोच के आया था कि इतना जीतना बीतने का सीन नहीं है, लेकिन अब पता है ऐसा लग रहा है कि यार कुछ करना है भाई, इसे बनाना है। तो अमन का सबसे पहला राउंड था जिसमें 40 kg उसने वेट उठाया जो कि एकदम बढ़िया गया। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में उसने 5 किलो बढ़वा लिया वेट और 45 kg का वेट उठाया जो कि माइंड ब्लोइंग उसने लिफ्ट की। फिर उसके बाद जो लास्ट राउंड था उसमें उसने फिर और 2.5 किलो बढ़ाया था 47.5, जिसमें दिक्कत हो गई और वो नहीं उठा पाया। गौतम 45 किलो मार ली भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। तो अब मेरी कैटेगरी यानी 59 kg में मेरा नंबर आ चुका था और अब आप फिल्मी चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत फिल्मी चीज़ें हुई हैं आज, देखते जाओ। नर्वसनेस की वजह से थोड़ा पैर में एकदम से अजीब सा लगा बट अब देखो क्या हो गया। उधर शोर के कारण मेरी पूरी लिफ्ट ही खराब हो गई, मुझे सुनाई नहीं दी कमांड और बर्बाद। कोई नहीं हो जाएगा अगला मारना है भाई, ठीक है, हो जाएगा। तो
तो अब बारी आती है सेकंड लिफ्ट की, और इसमें मैंने वेट चूज़ किया है 70 kg, यानी 5 kg मैंने फिर बढ़ा दिया पिछली लिफ्ट के बाद। पिछली लिफ्ट के बाद थोड़ा सा बहुत बुरा लगा, डीमोटिवेटिंग सा रहा, बट वो सब छोड़ के चलो इस लिफ्ट पे फोकस करते हैं। तो इस बार मैंने पिछली वाली गलती नहीं की, बहुत ध्यान से सुना और ये लिफ्ट बहुत आराम से स्मूथली हो गई। पहली लिफ्ट बहुत खराब हो गई थी, लेकिन दूसरी वाली 70 kg हो गई फाइनली। हो गई भाई, हो गई, बहुत अगली भी मान लेना 70। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। तो बात करें अब तीसरी लिफ्ट की, इसमें मैंने कर दी गलती, मैंने फ्लो फ्लो में 5 kg वेट बढ़ा दिया और फिर गिर गया। पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस में तीन हमें चांस मिलते हैं 3 lift मारने के, तो तीनों लिफ्ट खाल के आपका जो भी बेस्ट होता है वो काउंट कर लिया जाता है। अब जैसे मेरा पहला वाला था वो तो मैंने किया अच्छे से, बट मैंने उनका काउंट वगैरह नहीं सुना कि उन्होंने कुछ बोल दिया ना वो प्रेस वगैरह, तो वो मैंने नहीं सुना और मैंने अपने हिसाब से मार के आ गया। आई कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड थे तो फिर हिसाब से वो काउंट नहीं हुई। दूसरे में मेरा 70 kg खाला बेंच प्रेस जो अच्छे से हो गया। तीसरा वाला वो उन्होंने क्या होगा, मैंने फ्लो में ना 5 kg और बढ़वा दिया, मुझे 2.5 kg बढ़वाना था यार। वो पता लग भी रहा था, उन्होंने थोड़ा सा पकड़ लिया, तो 75 kg फिर थर्ड वाला था तो वो नहीं हो पाया, वो एकदम इधर पर आके किया मैंने ट्राई बट नहीं हो पाया। 72.5 हो जाता, ठीक है कोई नहीं, इस बार तो बस समझ में आया क्या माहौल है कैसा है। अभी थोड़ा सा बाहर आए, अभी और भी कॉम्पिटिशन वगैरह उसमें चल रहे हैं, मतलब और भी वेट कैटेगरीज, बड़ी वाली वेट कैटेगरीज चल रही है, और ये वल्लभ भवन है इधर पर, काफ़ी बढ़िया है, अच्छी हवा चल रही है। तो फिर इसके बाद हमारी जिम की ट्रेनर जो मैम थी वो स्ट्रॉन्ग वूमेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी और क्या कमाल की लिफ्ट मारी और वो जीती भी। इसके बाद हमारे जो भैया थे ध्रुव भैया, वो उन्होंने लिफ्ट मारी, बहुत प्यारी लिफ्ट गई उनकी। अभी एक ऐसा समय आया जब सबको ट्रॉफ़ीज मिल रही थी, मेडल्स मिल रहे थे, सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे, और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हर किसी को मिलना था। मैं तो ध्रुव भैया की वीडियो बनाने के लिए जब खड़ा हुआ था और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं जीतने वाला हूँ, क्योंकि मेरे वेट में बहुत तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन था, मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आया था, इतना कोई कंटिन्यूशन में नहीं था, बट फिर मैंने ये आवाज़ सुनी। बट फिर भी अपना नाम सुन के मैं इतना भी शौक नहीं हुआ था, क्योंकि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हर किसी को मिलना था, तो मैं वही लेने के लिए गया था। और एक्सपेक्टेशन मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे वेट में इतने सारे लोग थे और इतना अच्छा वेट उठाया था, तो मुझे लगा कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। बट फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा, आयुष इस मोमेंट पे बहुत खुश हुई, फाइनली 3rd place सिक्योर कर ली, इतने टाइम बाद एक मेडल मिला है, बहुत अच्छा लग रहा था। भाई ये किसी मानो के अनएक्सपेक्टेड चीज़ है भाई, देखो अनएक्सपेक्टेड ब्रॉन्ज, मैंने सोचा नहीं था यार भाई, लेकिन सर्टिफिकेट और 3rd position भाई की, 2nd position सेकेंड। और आयुष भाई कैसा लग रहा, जीत गए सब कुछ, मैं ट्रेनर की वजह से भैया। तो फिर ट्रॉफी मिली कंपटीशन के बेस्ट पावर लिफ्टर को, स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रॉन्ग वूमेन। और इसके बाद मैं अब आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ पूरे टूर्नामेंट की, जो आपको देखनी चाहिए।
कंपटीशन में सिर्फ यंग बच्चे या 18, 20, 25 साल के लोग ही नहीं थे, बल्कि इतने एजड पर्सन भी थे। और उसके बाद ऐसे लोग भी थे जो थोड़े से डिसेबल्ड थे, जैसे कि ये जिनका एक पैर पतला है और दूसरा नॉर्मल, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छी डेडलिफ्ट मारी। तो हमें भी ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कोई भी काम, नया काम करने से पहले हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए, अच्छा अपना बेस्ट देना चाहिए, फिर जो भी रिजल्ट आए वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि मेरे साथ हुआ। अब मैं आपको पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बेंच प्रेस दिखाता हूँ कि आखिर बेंच प्रेस लिफ्ट करी कैसे जाती है, इतना वेट कैसे लिफ्ट किया जाता है। फिर कंपटीशन के बाद पार्टी की हमने KFC में, मैंने ऑब्वियसली वेज खाया होगा, बाकी सब नॉन वेज था। KFC से खा के कंपटीशन खेल के अब हम लोग चले रूम की ओर, जीत गए। तो हम लोग चले अब रूम की ओर, बारिश हमारा स्वागत कर रही है, गीले हो रहे हैं, मजे आ रहे हैं, गीला होना तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हम लोगों का खुद पहला एक्सपीरियंस था और बहुत मोटिवेशन आया, मतलब मोटिवेशन बहुत मिल गया। अब ना अरे बस कर भाई, अब जिम में जब करेंगे ना, अब थोड़ा सा ना गाइडेंस, अब पता है कि करना किस लिए है, क्या होता है, को क्या मेरा लाइक वो है, कितना मैं उठा सकता हूँ, वो सब मतलब थोड़ा सा समझ में आया। तो अब ना जब होगी ना जिम, बहुत तगड़ी कल से करने वाले हैं। मतलब क्या था, हम लोग गए थे सिर्फ ओवरव्यू लेने, गए थे जीतने के मोटिव से नहीं गए थे, और वो जीत गए, वो अच्छी बात है, वो अच्छा हुआ है, लेकिन अब ना प्रिपरेशन करके जीते, ये तो बिना प्रिपरेशन के ऐसी मजे मजे में चले गए, चलो देख के आते हैं क्या है कैसा है, और जीत गए तो अच्छी बात है। बाकी पानी बहुत बगड़ रहा है, गीले हो गए। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और मिलते हैं फिर। क्वेश्चन हो तो पूछ लो कमेंट में। हाँ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, चलो बाय। ओह आई एम द बेस्ट।